भारत बनाम इंग्लैंड के मुकाबले में इस खिलाड़ी को बनाए अपनी टीम में कप्तान एवं उपकप्तान। भारत और इंग्लैंड के बीच एक बार फिर से मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में आज आप लोग इस होने वाले मुकाबले में ये मेगा कॉन्टेस्ट के भाग लेकर आप भी टीम लगाना चाहते हैं तो फिर एक बार हमारे लेखक के द्वारा ड्रीम इलेवन प्रोडिक्शन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी गई है जो कि आपको टीम बनाने के समय मदद कर सकती है। जब भी आप किसी भी होने वाले मुकाबले में टीम लगते हैं तो सबसे पहले आप सभी खिलाड़ियों के बारे में एक एक पॉइंट के अनुसार उसे खिलाड़ी को अपनी टीम में करें शामिल, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनका परफॉर्मेंस उसे मैदान पर नहीं होता, लेकिन जब उसे खिलाड़ी को आप अपनी टीम में बनाते हैं तो आपको भी सफलता प्राप्त नहीं होती होगी। जब भी आप टीम बनाते हैं तो ऑलराउंडर बल्लेबाज को अपनी टीम में ज़रूर चयन करें कि ऑलराउंडर बल्लेबाज जो होता है वह गेंदबाजी से भी पॉइंट दे सकता है और बल्लेबाजी से भी। तो ऐसे में इस खिलाड़ी को अगर अपनी टीम में रखते हैं तो आप भी इस होने वाले मेगा कॉन्टेस्ट में सफलता प्राप्त करने में चांस रख सकते हैं। ड्रीम इलेवन पर आप भी सफलता का टीम तैयार करना चाहते हैं तो फिर आज आप सभी को होने वाले मुकाबले के अनुसार खिलाड़ियों की टीम में रखना होगा। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि सभी ग्राउंड का अलग अलग खिलाड़ियों के द्वारा परफॉर्मेंस किया जाता है और उसी अनुसार आपको अपने टीम इलेवन खिलाड़ियों को चयन करना होता है। तो आप लोग सबसे पहले यह जान लें कि यह जो मुकाबला होने जा रहा है कि ग्राउंड में होगा और इस ग्राउंड पर कौन से ज़्यादा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाए हैं ताकि आप भी उसे खिलाड़ी को अपने टीम में रहकर बेहतर पॉइंट प्राप्त कर सके। ऐसे तो हमारे लेखक के द्वारा प्रोडिक्शन के अनुसार टीम बनाकर आप सभी को दिए गए हैं ताकि आप भी इस होने वाले मेगा कॉन्टेस्ट में अच्छे खासे पॉइंट प्राप्त कर सके। साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि आज भी लोग ड्रीम इलेवन पर टीम बनाकर पैसा जीत रहे हैं, लेकिन आप सभी को मालूम तो होगा कि लोग कैसे ड्रीम इलेवन फैंटास्टिक गेम पर सफलता प्राप्त करते हैं और पैसा जीतते हैं। तो ऐसे में आज आपको अपने टीम के लिए 11 खिलाड़ियों को चयन करना होगा और 11 खिलाड़ियों में से आप एक कप्तान तथा एक उप कप्तान के रूप में चयन करना होता है।